स्पेशल में आपका स्वागत है। मेरे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर एंटायर रेस विजन टीम एंड ऑल योर फैंस। थैंक यू सो मच। यस हैव अ विश। आई यू नो मेनी पहले विश। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू नेपाल। हैप्पी बर्थडे टू यहां से कर। बहुत ही चॉकलेटी केक है। इसका पहला बाइट जा रहा है हमारी परी जी को। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। क्या देख रहे हो भाई? आ करो आ करो। ये लो। आ अच्छा थैंक यू। और हैप्पी बर्थडे। अरे हमारे काके जी। थैंक यू। तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने आपका बर्थडे? कल हमने अपना बर्थडे अपने मॉम डैड के साथ सेलिब्रेट किया और भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। वैसे ही हिबा के साथ सेलिब्रेट किया, हिबा के मॉम डैड के साथ सेलिब्रेट किया। हम सब लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और अच्छी बात ये थी कि कल हिबा की मॉम का भी बर्थडे था तो दोनों सेलिब्रेशन एक साथ हो गए। बहुत अच्छा लगा। जब भी बर्थडे आप सुनते हो तो क्या चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आती है? गिफ्ट्स। एंट्रेंस में मेरा पूरा बेड भर गया था गिफ्ट्स से। कौन सा स्पेशल गिफ्ट मिला आपको आज तक? एक तो बहुत ही स्पेशल गिफ्ट मिला है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कौन सा स्पेशल है? स्पेशल गिफ्ट कौन सा? यू नो आई वांट टू नो दिस। अरे नहीं डिस्क्लोज कर सकता। और किससे मिला है? ऊपर वाले से। नहीं नहीं अगले फ्लोर में नहीं, ऊपर आसमान के ऊपर भगवान जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको मेरे बर्थडे पे। आपकी जितनी सारी विशेज हैं इन रिटर्न मैं आप सबको बहुत सारी विशेज भी और ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूँ। यू नो बर्थडे पे लेते हैं पर आप लोग मुझे को देंगे तो रिटर्न गिफ्ट भी बनता है ना, तो रिटर्न गिफ्ट में बहुत सारी ब्लेसिंग है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे प्यार करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे नहीं पता मैं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ तो प्लीज़ मुझे प्यार करते रहिए। आई लव यू। आप क्या विशेज देना चाहिए? और जिंदगी भर की खुशियाँ ऑब्वियसली। और मैं चाहती हूँ हमेशा खुश रहें और ऐसे ही you know, एक हर एक माइलस्टोन पार करते रहें। एंड आई विश यू अ रियली वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू सर। कोई मोस्ट मेमोरेबल बर्थडे चाइल्डहुड से? यार बर्थडे तो सारे ही मेमोरेबल होते हैं। बर्थडे चीज़ ऐसी एक साल में एक दिन ऐसा आता है जो बहुत अवेटेड होता है और आने के बाद तो बहुत सारे जितने भी आपके क्लोजन्स होते हैं आपको विशेष देते हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स देते हैं, बहुत सारे पार्टी करते हो आप, तो ये डे ही मेमोरेबल होता है। बाकी अदरवाइज बहुत सारे बर्थडेज हैं मेरे जो मेमोरेबल हैं। ये वाला डे बर्थडे बहुत ज़्यादा मेमोरेबल इसलिए था क्योंकि बहुत सारे नए लोगों से मैं जुड़ा, मेरी ससुर माँ में बहुत सारे लोगों ने मुझे और नई सारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। आप लोग बहुत सारे मेरे साथ और जुड़े, आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी चीज़ें। पिछला वाला बर्थडे स्पेशल था इसलिए क्योंकि जब मैंने बताया इस दिन शुरू किया था उसके बाद वो बर्थडे मेरा हुआ था, तब मैंने कुछ 16-17 केक काटे थे एक दिन में और आप सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे, आशा आप भी थे। ये तो मतलब हर बर्थडे मेरा मेमोरेबल बनाते हैं आप ही लोग, और पिछले 2 साल से तो बहुत ही मेमोरेबल बन रहा है। इस बार हिबा भी है हमारे साथ तो और भी मेमोरेबल बन गया है। सो आई लव दिस ओकेजन इन माई लाइफ। आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज एफर्ट्स जो मेरे फैंस ने मुझे गिफ्ट भेजे उन सबके लिए भी। थैंक यू सो मच ग्रेट विजन को भी। थैंक यू सो मच आज मेरे लिए इतना खूबसूरत इतना टेस्टी केक लाने के लिए। थैंक यू सो मच।